नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार राज्य में 3 नए विश्वविद्यालयों को खोलने के लिए बिहार सरकार के द्वारा कैबिनेट की मुहर लग गई है। आपको बता दें कि इन नए तीनों विश्वविद्यालयों के चांसलर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होने जा रहे हैं। इसकी गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और वाइस चेयरमैन विभागीय मंत्री होंगे। अब तक वर्तमान में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के चांसलर राज्यपाल हुआ करते हैं, लेकिन अब इन 3 नए विश्वविद्यालयों के चांसलर मुख्यमंत्री होंगे। क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कानूनी तौर पर राज्य के 3 नवसृजित विश्वविद्यालयों के चांसलर बन गए हैं। राज्यपाल फागू चौहान ने इससे संबंधित अलग अलग 3 विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी है। विधि विभाग ने इसे अधिसूचित भी कर दिया गया है। विधानसभा के मॉनसून सत्र में इन्हें पारित किया गया था। राज्यपाल की मंजूरी वाले विधेयकों के प्रति विधानसभा, विधान परिषद, विधि विभाग, स्वास्थ्य, युवा, खेल एवं कला संस्कृति और विज्ञान एवं प्राविधिक विभाग को मिल गई है। मालूम हो कि इन राज्य में मेडिकल, इंजीनियरिंग और खेल की शिक्षा के लिए अलग अलग विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं। परंपरा से अलग हटकर इन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल से बदले मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इसके लिए नए अधिनियम की जरूरत थी, सो विधानमंडल के दोनों सदनों में विधेयक पारित किए गए। इस बदलाव के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय और उनके आवासीय कार्यालय में इन विश्वविद्यालयों के लिए अलग कोषांग बनेगा। अलग अधिकारी भी तैनात किए जाएंगे। खेल विवि का मुख्यालय राजगीर में होगा, मेडिकल और इंजीनियरिंग विवि का मुख्यालय पटना में रहेगा। विधानसभा में मुख्यमंत्री को चांसलर बनाने वाले एक विधेयक का विपक्षी दलों ने विरोध किया था। विधेयक पर संशोधन का प्रस्ताव दिया था। मतदान की नौबत आई, विपक्ष का संशोधन बहुमत के सामने नहीं टिक पाया। विधान परिषद ने 3 विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया था। विधानसभा सूत्रों ने बताया कि मॉनसून सत्र में विनियोग विधेयक सहित कुल 8 विधेयक पारित हुए थे। राजभवन से हस्ताक्षर होकर सभी विधेयक लौट आए हैं। विधि विभाग ने इन्हें अधिसूचित भी कर दिया है। तो आपको बता दें कि बिहार राज्य में 3 नए विश्वविद्यालय खुलने जा रहे हैं, जिसके चांसलर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। यह 3 विश्वविद्यालय मेडिकल, इंजीनियरिंग और खेल के क्षेत्र में होंगे। और इस बीच खास बात यह है कि खेल पर ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। खेल विश्वविद्यालय का मुख्यालय राजगीर में बनेगा और इससे यहाँ के खिलाड़ियों को जो बिहार राज्य से हैं उन्हें ज़्यादा मौका भी दिया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अन्य कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।